सो गाइस, आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने फ्रेंड लिस्ट में वीवाइच वाले प्लेयर यानी आप लोग अपने फ्रेंड लिस्ट में यूट्यूबर लोग को कैसे ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ इस अमेजिंग वीडियो को आप लोग को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना है, यानी मतलब वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना। अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर लोगे तो आप लोग को बिल्कुल भी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या है गाइस, आप लोग इस वीडियो के अंदर जितना भी बात बताने वाला हूँ उसे आप लोग को ध्यान से सुनना है। साथ ही साथ आप लोग को हर एक पे जो मैं आप लोगों को टॉपिक बताऊंगा उसे आप लोगों को फॉलो करना, ठीक है। तो चलिए गाइस, हम लोग बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि मेरा हर एक फ्री फायर का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो चलिए गाइस, हम लोग बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं नहीं बताऊंगा, चुप। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो गाइस, ये वीडियो के अंदर में मैं आप लोग को तीन टिप्स बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप लोग बहुत ही आसान तरीके से अपने फ्रेंड लिस्ट में भर भर के यूट्यूबर लोग को ऐड कर सकते हो। तो चलेगा हम लोग बिना टाइम वेस्ट के फर्स्ट टिप्स की ओर बढ़ते हैं। बट उससे पहले आप लोग से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ गाइस, आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। तो चलेगा हमारा जो फर्स्ट टिप्स है ये है हमारा जिनका गेम प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हाँ गाइस, यहाँ पे मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ जिनका गेम प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बट वो अपना गेम प्ले कहीं पे भी अप्रूव करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो मैं आप लोग को सिंपल सी एक बात बताने वाला हूँ, जहां यहाँ पे बहुत सारे बंदे यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करते थे वो ऐप पे आप लोग को मिल जाएगा, यहाँ पे फेसबुक पे मिल जाएगा, साथ ही साथ आप लोग को यूट्यूब पे बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे जो कि आप लोग को लाइव स्ट्रीम करते हुए नजर आएंगे। तो करना क्या गाइस, आप लोग को सबसे पहले तो आपका प्रोफाइल को मेंटेनेंस रखना, यानी आप लोग का जो KDS होता है ना बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से मेंटेनेंस करके रखना है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे कलेक्शन ये सब का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप लोग का जब KD बहुत ही OP रहेगा ना तो आप लोग को वी बैच वाले प्लेयर आसानी से ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ गाइस, आप लोग को पहले कि आप लोग को प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा मेंटेनेंस में रखना है। साथ ही साथ आप लोग को करना क्या गाइस, आप लोग को अप्रूव करने की बात आती है तो मैं आप लोग को बताता हूँ, जहां पे लाइव स्ट्रीम होते रहते ना वहां पे आप लोग उनके कस्टम में जाके आप लोग अपने गेम प्ले को बहुत ही अच्छी तरह से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। जब आप लोग अपना गेम प्ले आप अपना बहुत ही अच्छी तरह से दिखाओगे गाइस तो आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं, उधर से आप लोग वो बंदा खुद ही रिक्वेस्ट डालेंगे, जब आप आपका गेम प्ले उनको पसंद आ जाएगा, मोमेंट स्पीड ये सब बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगा तो आप लोग उधर से वो खुद ही रिक्वेस्ट आप लोग को डाल देंगे, ठीक है। तो एंड यहाँ पे हम लोग सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा जो सेकंड स्टेप है वो मतलब जो सेकंड यहाँ पे टिप्स है वो आप लोग को कौन सा टिप्स है। बट उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना गाइस। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेप यानी आप लोग सेकंड यहाँ पे सेकंड टिप्स की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, हमको सिखा रहा है। सो गाइस, पे सेकंड नंबर जो टिप्स होने वाले बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ गाइस कि आप लोग यहाँ पे अपना गेम प्ले को अप्रूव नहीं कर पा रहे तो फिर आप लोग को करना क्या है, ठीक है। तो गाइस, मैंने तो आप लोग को पहले ही बता दिया कि आप लोग को बड़े बड़े यूट्यूबर का यहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे पहले नहीं जाना है, आप लोग यहाँ पे छोटे छोटे यूट्यूबर्स के यहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे जाओ जिनका व्यूवर्स तो पहले से ऑलरेडी मिला हुआ है बट उनका वॉच टाइम यहाँ पे जो लाइव वॉचिंग होता है ना वो अच्छा खासा नहीं आ रहा है। इससे क्या होगा गाइस कि आप लोग को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग को उनका लाइव स्ट्रीम में दिन पहले तो एक्टिव रहना है, जैसे वो लाइव स्ट्रीम करे तो उसका लाइव स्ट्रीम भी आप लोग को एक्टिव रहना है। साथ ही साथ आप लोग को बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करना है जिसे देखकर यूट्यूबर जो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं ना उसे भी लगेगा कि हाँ ये बंदा तो हमारा लाइव स्ट्रीम पे रोज ही आता है, चलो हम इसे अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। तो ये था हमारा सेकंड नंबर टिप्स। एंड यहाँ पे बढ़ते हैं अपना अगले टिप्स की ओर एंड देखते हैं हमारे जो नेक्स्ट टिप्स होने वाला है वो क्या है। बट उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना गाइस, कंजूसी क्यों कर रहे हो। तो चलो गाइस, मैं भी नहीं मानता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा व्यूअर कोई भी कंजूस नहीं है, या फिर हर एक बंदा मेरा वीडियो को लाइक जरूर से कर देगा, मुझे तो इतना पता है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हम लोग बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की ओर। एंड जो हमारा टिप्स नंबर 3 होने वाला है, अगर आप लोग यहाँ पे आप लोग का जो कॉमेंट भी सील नहीं कर रहा है गाइस तो आप लोग को करना क्या है गाइस, आप लोग को जिनका भी आप लोग लाइव स्ट्रीम पे आप लोग देखते रहते हो ना वो जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करते तो उसको आप लोग का जो अमेजिंग जो पार्ट होता है ना गाइस वहाँ पे आप लोग को क्या करना है, वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग उनके साथ स्टोरी में कर देना इंस्टाग्राम पे। आप लोग को ये एक दिन में नहीं होगा, आप लोग को 15 या 20 दिन आप लोग लगातार करते रहोगे। तो अगर कोई भी यूट्यूबर यहाँ पे अपना सबसे पहले यहाँ पे इंस्टाग्राम खोलेगा तो आप लोग का हर बार स्टोरी उनके पास शो होगा तो वो आप लोग को मतलब अजीज हो कि आप लोग का फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेगा, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो, वो भी समझ सकता है गाइस कि ये बंदा हम लोग को मतलब हमारे हर दिन हम लोग को मैसेज करता है बट मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो चलो मैं उसको फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस, यही था हमारे ऐड मतलब अपने फ्रेंड लिस्ट में कैसे ऐड कर सकते हो प्रो प्लेयर ऐड यहाँ पे
अपने वीवेच वाले प्लेयर को। तो गाइस ये वीडियो आप लोग को कैसी लगे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर से करना। तो चलिए मिलता हूँ अगला वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।